हम सब शहर बेलगाम के रसने रहने बसने वाले मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर आज इकट्ठा हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस ख़िताब का मकसद ये है कि ये सारी दुनिया को मुसलमान मालूम है कि मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला की वहदानियत के बाद पैगंबर की बात को मानना, उन्हें दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा रखना, बल्कि अपनी औलाद, अपने माल और यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब और पसंदीदा रखना, यह ईमान का तकाज़ा है। बल्कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक पैगंबर को दुनिया के हर एक चीज़ से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा ना रखे। यही हमारे ईमान और इस्लाम का मदार है और इसी पर हमारा इस्लाम यकीनन टिका हुआ है। पैगंबर के साथ अगर इस रिश्ते में कोई कमी आए या उसमें खलल पड़े तो ये इत्तेफाकी नहीं बल्कि बिल इत्तेफाक ये हुक्म है कि आदमी का ईमान अकीदा यहाँ तक कि इस्लाम मुतज़लज़ल हो जाता है और आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भारत हमेशा से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मानने और एहतराम करने वाला मुल्क रहा है, मगर गुज़श्ता कुछ सालों से लगातार बार बार इस्लाम पर, क़ुरान पर और पैगंबर ने इस्लाम पर उंगली उठाने का एक सिलसिला चल पड़ा है। और आज दुनिया के अंदर जो अथल पथल है, अफरा तफरी का माहौल है, अदम तहफ़ुज़ का एक फ़िज़ा क़ायम है, उसकी बहुत बड़ी वजह इसी तरह के ख़यालात और इसी तरह के बेतुका बयान है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है और फिर अमन सुकून में खलल पड़ता है। क्योंकि ये सारी दुनिया को मालूम है कि मुसलमान अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद और अपने सारे आराम व आशाइश और फ़ायदे को कुर्बान कर सकता है, लेकिन जब बात आती है पैगंबर की अज़मत की, उनके वक़ार की, उनकी इज़्ज़त की, तो यकीनन दुनिया का कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात हमारे दुश्मनों को भी मालूम है। इसी बुनियाद पर तो बार बार पैगंबर और क़ुरान को और इस्लाम को वो टारगेट बनाते रहते हैं। अभी नया ताज़ा मामला हमारे ही मुल्क भारत का है, जहां गुज़श्ता 27 मई 2022 को बनारस के अंदर एक नेशनल टीवी पर डिबेट करते हुए बीजेपी एक्स तर्जमान नूपुर शर्मा नामी किसी खातून ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो गंदी, भद्दे और घिनौने रिमार्क्स किए जिसको ना मुसलमान ज़बान पे ला सकता है, ना ऐसे अल्फाज को वो सुनना गवारा कर सकता है। और बदनसीबी यह है कि फिर उसी के बाद फौरन बीजेपी ही के दूसरे एक तर्जमान मिस्टर, बल्कि कहा जाए अब मिस्टर जो के तौहीन का लफ्ज़ है, मैं उसके लिए वो भी बोलना नहीं चाहता, नवीन कुमार जंदल नामी किसी शख्स ने उसी तरह का एक ट्वीट किया और जिसकी वजह से ये मामला जब मुसलमानों के कानों तक पहुँचे, निगाहों तक ये तहरीरें आईं,
तो मुसलमानों का दिल बगश्ता होना, तड़प उठना, मचल जाना आना यकीनन एक फितरी और एक नेचुरली मामला था, और जिसका असर हमने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर महसूस किया गया। लेकिन अब एक इतना संगीन मामला कि दुनिया के करोड़ों और ख़ुद भारत में रहने वाले 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी हो, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि किसी भी मज़हब और धर्म का मानने वाला हो, अगर वो मुतासिब नहीं है, अगर वो सलीमुल फितरत है ना, अगर वो इंसाफ के तकाज़ों को जानता है और इंसाफ पर कायम है, तो यकीनन चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी का तड़प जाना यकीनन लाजिमी है। और हम तो यही जानते हैं क्योंकि हम कुरान के मानने वाले हैं, हमें कुरान ने तो सबक यही दिया है कि जो लोग खुदा के अलावा दूसरे माबूदों की परस्तिश करते हैं उन माबूदों को भी तुम बुरा मत कहो। इस्लाम का एक सबक है ना कि यकीनन दुनिया के अलग अलग मज़ाहिब और धर्म के मानने वाले उनके सामने अलग अलग देवी देवताएँ भगवान या जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं वो उनका अपना धर्म और मज़हब है ना। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ये कुरान का हमारा सबक है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि दूसरे मज़ाहिब और धर्म के उन लोगों को तुम बुरा भला मत कहो कि जिनकी वजह से वो पलट कर तुम्हारे माबूद हक़ की तरफ पलट के आए और माबूद हक़ की तौहीन करने लगे। तो इतना पाकीज़ा मज़हब इस्लाम है, वो कैसे दुनिया के किसी मज़हब पर तौहीन कर सकता है। बहरहाल जो कुछ हुआ मुसलमान इससे बड़े आहत हैं ना। यकीनन चूँकि अपने नबी को हम अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ मानते हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारा मानते हैं, और दुनिया की सारी शय से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा मानते हैं, उसी के नतीजे में पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक एहतजाज का सिलसिला चालू हुआ और मुसलमानों की कई जानें इस सिलसिले में चली गई है ना। करोड़ों के माली नुकसानात हुए, लेकिन मुसलमान है क्योंकि हमारा ये ईमानी और एतिकादी तकाजा है, हम इस मामले में पीछे हरगिज़ नहीं हट सकते और दुनिया की कोई ताकत हमें इस सिलसिले में पीछे नहीं हटा सकती। कानून का तकाजा तो ये था कि जब भारत संविधान से चलता है, दस्तूर से चलता है, आइन से चलता है, जब भारत के आइन और दस्तूर ने हर एक मज़हब वालों को अपने मज़हब के एतबार से चलने का हक़ दिया है और किसी को हरगिज़ ये इख्तियार नहीं कि दूसरे धर्म और मज़हब वालों की पर क्या करें, इस तरह के गंदी है ना तनकीद या रिमार्क करें, कतअन उसकी इजाज़त नहीं होगी। तो जब नूपुर शर्मा नामी किसी खातून ने या नवीन कुमार जंदल ने जब इस तरह की गंदी और भद्दी गालियाँ दीं, तो कानून का तकाजा ये था कि हमारे भारत के संविधान के एतबार से उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है ना, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता और मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सख्त सज़ा दी जाती। लेकिन आज तक ये देखा गया है कि सिर्फ जब दुनिया भर के इंटरनेशनल ताकतें और कुव्वतें और मुल्कों की तरफ से जब ज़रा प्रेशर बना तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इन दोनों को अपने ओहदे से हटा दिया। बस इतना ही है, उसके अलावा दूसरी कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई। और ये यकीनन बीजेपी का इतना कर देना यकीनन मुसलमानों को हरगिज़ कबूल नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ पार्टी से बर्खास्त कर दें या हटा दें, बल्कि मुसलमानों की मांग है, मुसलमानों का डिमांड है। और आज हम बेलगाम के जुमला मुस्लिम जमातों की तरफ से नुमाइंदा के तौर पर हम इकट्ठा हैं और ये हम डिमांड और मांग करते हैं कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं बल्कि हुकूमत हिंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर कानून के एतबार से सख्त सज़ा दे और कानून के दायरे में, ताकि आज के बाद कोई दूसरा फ़र्द वो किसी भी मज़हब या धर्म का हो, पैगंबर पर या दुनिया की उन शख्सियतों पर जो मज़हबी शख्सियतें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्म के लोग जिनको अपना एक आदर्श मानते हैं है ना, जिनको एक आइडियल मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं है ना, जो मज़हबी शख्सियतें हैं, यकीनन उन पर इस तरह के गंदे रिमार्क करने की कोई हिम्मत ना करे। और मैं ये भी वाजे कर देना चाहता हूँ, ये हमारा इस वक्त मुतालबा यकीनन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वक़ार की खातिर हमारा जमा होना है, हम ये डिमांड करते हैं। लेकिन जनरली आम तौर पर हमारा ये डिमांड पहले से रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून आए
आना कि जिसी भी मजहब, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का के मानने वाले आना, जिनको एक आदर्श मानते हैं, जिनको उस मजहब का एक आइडियल आइडियल मानते हैं, ऐसी मजहबी शख्सियतों के खिलाफ कोई इस तरह की दोबारा जबान दराजी ना कर सके। हमारा हुकूमत हिंद से है कि फौरन बिला ताखीर, बगैर किसी लेतो लाल पस आना के फौरन नवीन कुमार जंदल और पुरुष शर्मा को यकीनन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दे ताकि ये दुनिया के लिए इबरत हो और हमारा मुल्क का वकार। ये भी एक सही है, एक दूसरा पस मंज़र है। और आप महसूस करते हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें अजीज है, इसके जर्रे जर्रे से हम मोहब्बत करते हैं, इसकी बेइज्जती हरगिज़ हम कभी भी बर्दाश्त ना हम करते हैं ना हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है। लेकिन इन चंद पाठों शरारत की वजह से आज जो मुल्क का वकार पूरी दुनिया में गिरा है। आप अंदाजा लगाइए ना, अक़वामे मुत्तहदा में इस सिलसिले में बातें की गई, अमरीका और रूस ने इस सिलसिले में हिंदुस्तान पर तनकीद की, और जहां तक वाईसी का ताल्लुक है तंजीमें जो हमारे ऊपर जो है मुल्क हिंदुस्तान के इसी चीज को बहाना करके हमारे मुल्क को बदनाम करने के या क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, है ना। इसी तरह 57 ममालिक पर मुश्तमिल है ना बाज़ाब्ता वाईसी ने भी हिंदुस्तान पर तनकीद की, और खलीजी अरब और इस्लामी मुल्कों का तो क्या कहना, जो गैर जानबदार ममालिक है दुनिया के वो भी इस मामले में हिंदुस्तान की तनकीद कर रही है। तो यकीनन ये भी हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जिन लोगों की वजह से ये हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क की तनकीद की जा रही है, यकीनन वो लोग मुजरिम हैं, है ना। यकीनन हम उन्हें गुनहगार समझते हैं। हमारा मुतालबा है कि इस पस मंजर भी इसको देखा जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है हुकूमत हिंद इस जानिब तवज्जो देगी। वो मजहब के भी गद्दार हैं, मुल्क की गद्दार करते हैं यकीनन, है ना। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और तनकीद का निशाना बनाने वालों को मौका दिया है, यकीनन ये मुल्क के भी गद्दार हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त केस चलाया जाए और कानूनी तौर पर उनको सख्त कार्रवाई की जाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये बात ख़त्म करता हूँ। मैं मुफ्ती मंजूर अहमद रिज़वी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे मजहब की तालीम है कुरान करीम में, वला तसुब्बुल लदीन यदउन मिन दूनिल्लाह। कुरान करीम ने तमाम मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को इस बात का सबक सिखाया है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म के ताल्लुक से लबकुशाई और गलत अल्फाज या तान व तशनी, इसकी इजाज़त कुरान में हमारे नहीं है। तो हम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मगमूम हैं, और न सिर्फ मुसलमान मगमूम हैं बल्कि इंसाफ पसंद हिंदू भाई हमारे, सिख भाई हमारे, ईसाई भाई हमारे, वो भी इस बहुत ज़्यादा मगमूम हैं इस वक्त। और इस गम की वजह जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गलत बयानी और बदज़ुबानी ये वजह बनी है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी बदनाम हुआ है और दुनिया भर के इंसान और खुसूसन मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मगमूम है। ये दस्तूर के हमारे मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ वर्जी है, जैसा कि मौलाना ने भी कहा ये बीजेपी के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई है। अगर बीजेपी के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी होती हो उनको अपने पार्टी से अलग कर देते तो बात समझ में आती, ये तो मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, तो मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहते हुए उनकी सज़ा भी होनी चाहिए। हमारा यही मुतालबा है। हम उम्मीद करते हैं हमारी हुकूमत से कि वो इंसाफ की तरफ आगे बढ़ेगी और मुल्क के बसने वालों को इंसाफ दिलाएगी, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करेगा और तरक्की की मंजिलें उसके लिए आसान होंगी। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन रहे, मुल्क हमारा तरक्की करे, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, और इसी के लिए हमारी कोशिश भी है।